अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे ये जश्न आज़ादी के हिसाब से है। तो आप ये देख रहे होंगे, मैंने ये बड़े बड़े झंडे जो हैं ये फैलाए हुए हैं इधर बैठ के ऊपर। ये मेरे पास ये तीन झंडे हैं, इसमें से ये काफ़ी बड़े हैं दो, एक ये वाला और एक ये वाला है बड़ा, और ये जो है ये एक छोटा है थोड़ा साइज में, जो हमारी गाड़ी के बोनट पे लगेगा। तो ये भी आपसे शेयर करूँगी। तो इस्त्री ऑन इस्त्री मैंने रख ली है बेड पे, कि इसको पहले इसकी सिलवटें निकालते हैं। काफ़ी ये इस पर शिकने आई हुई है रखने की वजह से, ये मैं इस्त्री लगाती हूँ और इधर ही इस्त्री कर लेते हैं पहले इसको। और ये मैंने अपना ड्रेस भी निकाल के रखा हुआ है। ये थोड़ी सी चूड़ियाँ मुझे मिल गई थी ग्रीन कलर में, ये जो मेरे पास ग्रीन शर्ट थी मौजूद मैंने वही निकाल ली। और ये साठ दुपट्टा हो गया, वाइट जूती भी मिल गई मुझे, क्योंकि इतनी गर्मी में ख़रीदना बड़ा मुश्किल काम है जाके। तो मैंने कहा जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वही पहन लेती हूँ। तो आए इस्त्री करते हैं पहले झंडे को, ताकि फिर इसको हम लगा सकें। तो आपसे मैं एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा है वो भी शेयर करती हूँ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तो अल्लाह में हमारे मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ ये एक झंडा तो मेरा तकरीबन इस्त्री हो गया है। तो ये तो लगेंगे ऊपर छत पे, और ये दिन के वक्त ही लगेगा, रात में तो मुश्किल होगा इसको लगाना। तो ये दोनों जो बड़े झंडे हैं ये एक फर्स्ट पे लग जाएगा, और एक ऊपर वाली जो टॉप की छत है उस पे लग जाएगा सेकंड वाली। ये जो झंडा है ये हम लगाते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। तो आ जा मेरे साथ। तो व्यूवर्स ये देखें, मैं बाहर आ गई हूँ और ये झंडा मैंने लगा लिया है गाड़ी पे। बहुत मुश्किल से लगा है इसके ऊपर, लेकिन शुक्र है कि ये लग गया है, और ये अब 14 अगस्त मनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त मनाएं तो बहुत पीसफुल होकर मनाएं। सड़क पर निकलें तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करें,
और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, और अपनी खुशियों में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी शामिल करें ताकि आपकी खुशी दुबला हो सके। तो इसी एक छोटी सी बात के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली 14 अगस्त के दिन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।